लेखपाल और पुलिस के बीच हुई झड़प। 5 जुलाई से अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश में लेखपाल हड़ताल पर चले गए। हालांकि शासन ने लेखपालों की इस हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया और इसमें लागू कर दिया। बावजूद इसके जिले में लेखपालों की हड़ताल जारी थी। इस मामले में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने शनिवार को जिले के 11 लेखपालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया था। सोमवार को जिले की 5 तहसीलों के लेखपालों ने एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर सदर तहसील में धरना शुरू कर दिया। लेखपालों की हड़ताल को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल सदर तहसील के आसपास तैनात कर दिया गया। सुबह सिटी मजिस्ट्रेट बसंत लाल के साथ एसपी सिटी श्रवण कुमार, सीओ सिटी विजय शंकर मिश्र पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और लेखपालों से हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने की बात कही, लेकिन अपनी मांगे पूरी न होने पर लेखपाल हड़ताल समाप्त नहीं करने की जिद पर अड़े रहे। दोपहर को एडीएम कानून व्यवस्था रमेश चंद्र के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट बसंत लाल, एसपी सिटी श्रवण कुमार, सीओ सिटी विजय शंकर मिश्र और पुलिस बल के साथ जब धरना स्थल पर पहुंचे तो हड़ताल कर रहे लेखपालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा और लेखपालों ने एसपी सिटी श्रवण कुमार और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसके बाद उसको हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने संघ के मंत्री अरविंद को भी पकड़ लिया और गाड़ी में डाल दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद 28 लेखपालों ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दी। पुलिस सभी को पकड़कर पुलिस लाइन ले गई, जहां संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र ने कहा कि पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक लेखपालों का धरना चल रहा है और पूरे प्रदेश में पुलिस ने कहीं लेखपालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन मथुरा में पुलिस हिटलरशाही रवैया अपना रही है। लेखपालों का कहना है कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रखा जाएगा और हिटलरशाही सरकार को झुकने को मजबूर किया जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आंदोलन चल रहा है, उसके तहत जो यहाँ पे मूवमेंट लोगों का चल रहा है उसको डीएम साहब ने अवैध किया है, एस्मा लगाया है, एजेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, आवश्यक जो सेवाएं हैं उसको मेंटेन करने के लिए वह अधिनियम है और चूंकि आवश्यक सेवाओं में आती है इसलिए आप उस पर आंदोलन नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसमें हमने 2 लोगों को प्राइम ऑफिसी लिया है, जिसमें एक मिस्टर वीरेंद्र हैं जिनका FIR में नाम है, इस्मा एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया है जैसा कि आप जानते हैं, उसमें उनकी उन्होंने उसको कस्टडी लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। एक और है उनको भी हम लोगों ने लिया है, 2 लोगों को हमने लिया है और बाकी हमने जो लेखपाल संघ के सभी लोग हैं उनसे मैंने इस बात को उससे कहा है कि आप कानून में सहयोग दें, जो आपकी मांगे हैं उसको कानून के दायरे आप रख सकते हैं, विधि विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट भी थे, ADM LO भी थे, उनसे व्यापक विचार विमर्श के बाद ये निर्णय सिटी मजिस्ट्रेट, ADM LO और सभी अधिकारियों द्वारा लिया। कितने लेखपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, कितने के नाम से FIR है? आज तो हम लोगों ने 2 लोगों को लिया है, 3 लोगों के साथ उसमें नेम्ड है, ये चूंकि मार्ट में लिखा गया है, लेकिन प्राइमा फेसी चूंकि ये आंदोलन अपने आप में ही यहाँ पे नहीं है क्योंकि एस्मा लगाई गई है,